राजीव कपूर का कैलिफोर्निया के युवा सीरीज से प्यार भरा नमस्कार आप सबको, आपके परिवार वालों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमें कैलिफोर्निया के युवा सिटी के अंदर और यहाँ पर इतने सारे फल देखकर बस मेरा तो दिल कर रहा है कि कुछ ऐसे ही फल खा लें। नहीं, ऐसे तो बहुत खा लिए मैंने। अब बनाते हैं एक डिश ऐसी जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, गारंटी खाई होगी तो आपको मैं 10 लाख रुपए का इनाम दूँ। मुझे मालूम है कि मैं बताऊंगा, आप कहेंगे, सब कहेंगे क्या ये तो हम रोज बनाते हैं, सुबह शाम बनाते हैं। क्या बनाते हैं मैं बताता हूँ आपको, पालक और प्रून का कबाब कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या कहा आपने, आप तो हमेशा बनाते हैं, मैं जानता था आप जरूर कहेंगे। खैर, करना क्या है मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। इसके लिए जो पालक के पत्ते हैं इसे अच्छी तरह से धोकर रनिंग वाटर के अंदर फिर आप इसमें से सारा पानी निकाल लें और इसे ब्लांच कर लें। ब्लांच का मतलब बड़े बर्तन के अंदर पानी डालें, थोड़ा सा नमक डालें, जब वो उबलना शुरू हो जाए पालक के पत्ते उसके अंदर डालें और करीब 30 तक गिनते गिने, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद निकालें, ठंडे पानी से पालक के पत्तों को धो दें और इसे चॉप कर दें। रफली चॉप करना है, कुछ ऐसे नहीं है कि आपने एकदम ही करना है, कुछ ऐसे। ये देखिए ये पालक के पत्ते, और अब एक पैन के अंदर जो पालक है इसे थोड़ा हमने पकाना है प्याज और हरी मिर्च के साथ में। और ये जो डिश है मैंने कहा पालक और प्रून्स के कबाब है, तो क्या करना है प्रून के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले इसके लिए जो प्रून लें वो पिटेड प्रून लें, यानी उसके बीच में से बीज निकले हुए होने चाहिए। ये देखिए ये प्रून, इसके बीच में से बीज निकला हुआ है। अब आप कहेंगे इसमें मैं प्रून क्यों डाल रहा हूँ, देखिए दिवाली है, हाँ दिए इतने जल रहे हैं तो दिवाली पर कुछ मीठा हो जाए, लेकिन आजकल मिठाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि समझ ही नहीं आता कि क्या किया जाए, इसलिए कुछ पालक के साथ में मीठा हो वो खाने के बाद में ही पता चलेगा। और दीपावली स्पेशल है आज हमारा, तो उसमें ये प्रून्स जो हैं उसको हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें जो पिटेड प्रून्स हैं उसके बीच में मैं कुछ स्टफ़ करना चाहता हूँ, ये अंदर से, ये देखिए किस तरह से आप कुछ भी स्टफ़ कर सकते हैं। आप चाहें तो पनीर को मैश करके इसके अंदर स्टफ़ कर सकते हैं, आप चाहें तो पिस्ता इसके अंदर डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, लेकिन मैं डालने वाला हूँ टमाटर, ये टमाटर, और इसको इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। ये देखिए, ये लीजिए, चलिए टमाटर इसके अंदर हमने भर दिए और पैन भी गर्म होना शुरू हो गया है। इसके अंदर हम डाल देते हैं तेल, तेल गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम डालते हैं प्याज, ये प्याज को चॉप किया हुआ है हमने, ये प्याज डालकर इसे मैंने थोड़ा सा भून लिया है। अब इसके अंदर हम डालते हैं ये हरी मिर्च, हा 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 हा, नहीं ज़्यादा तीखी नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, ये हरी मिर्च डाल दी। और इसके साथ मैं डालता हूँ थोड़ा अदरक और लहसुन, अच्छा टेस्ट आएगा। ये लीजिए अदरक, और इसके साथ लहसुन, लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, और अब इसे मिक्स कर देते हैं। अब इसके अंदर हम डालते हैं ये पालक, अब ये जो पालक है काफ़ी सूख चुका है, इसमें हम डाल देते हैं नमक, और नमक कितना होना चाहिए, नमक हमेशा की तरह स्वादानुसार। ये लीजिए, ये अब हमने अच्छी तरह से इसे पका लिया, ज़्यादा भी ना पकाएं कहीं इसका रंग खराब ना हो जाए। और अब क्या करेंगे, अब बहुत सिंपल है, प्रून्स भी रेडी हैं और ये जो हमने पालक प्याज अदरक लहसुन बनाया है ये हम निकाल लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, बहुत कुछ अभी करना है, कुछ डालेंगे, बनाएंगे, पकाएंगे, क्या करना है अभी मुझे मालूम नहीं है, मुझे सब कुछ मालूम है, आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहें कैन स्टार खाना खिलाना। आलू बुखारा किसने नहीं खाया, लेकिन कैलिफोर्निया में उगने वाले आलू बुखारे एकदम स्पेशल हैं। जी हाँ, ये और ज्यादा स्पेशल हो जाते हैं जब ये सूख जाते हैं। तो ये सूखने के बाद में क्या हो जाते हैं, जाहिर सी बात है कि अगर पहले प्लम थे तो उसके बाद ड्राइड प्लम्स हो गए, लेकिन इसको जाना जाता है प्रून्स के नाम से। ये जो फल है पहले तो फ्रांस में बहुत उगाया जाता था, लेकिन आजकल कैलिफोर्निया में इतना उगता है कि जहां तक आपकी नजर जाती है लगता है कि बस प्रून ही प्रून्स है।
और एक चीज मैं बताता हूँ, क्योंकि फल बहुत ज्यादा होता है, हाथ से इतने छोटे छोटे फल को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग क्या करते हैं कि शेकर्स का इस्तेमाल करते हैं और पूरे के पूरे पेड़ को हिलाकर ये जितने फल हैं नीचे गिर जाते हैं। लेकिन पुराने जमाने की एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जब यहाँ पर फल होना शुरू हुआ तो एक किसी सज्जन ने सोचा कि इतने सारे फल जो हैं वो कैसे तोड़े जाएं। तो उन्होंने कुछ बंदर ले लिए अपने पास में। किस लिए? उन्होंने बंदर को सिखाया कि इस फल को इस तरह से तोड़ो। बंदर ने फल तो तोड़ लिए, लेकिन उसके बाद में वो जो सज्जन थे उन्होंने सब बंदरों को निकाल दिया नौकरी से। क्यों निकाल दिया? क्योंकि जो बंदर थे वो फल तो तोड़ते थे लेकिन उसके साथ साथ खाते भी जाते थे। और सज्जन ने देखा कि फल टूटे तो बहुत सारे लेकिन इकट्ठा कम हुए, तो उन्होंने सारे के सारे बंदर को नौकरी से निकाल दिया। वेलकम बैक, केन स्टार खाना खजाना के दीपावली स्पेशल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हैं कैलिफोर्निया के यूबा सिटी के अंदर और बना रहे हैं पालक और प्रून के कबाब। इसके लिए मैंने आपको बताया है कि पालक को किस तरह से पकाना है ब्लांच करने के बाद में प्याज अदरक लहसुन के साथ में, और ये जो प्रून्स हैं उसमें छोटे वाले टमाटर स्टफ किए हुए हैं, ये देखिए इसके अंदर। और अब क्या करना है? अब काम सिर्फ इतना करना है कि ये मेरे पास है आलू, आलू को उबाल कर उसे मैश किया हुआ है, और फिर इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ये जो हमने बनाया हुआ है मिक्सचर पालक वाला उसके अंदर इसको डाल दें। ये डाल दिया हमने आलू। अच्छा, नमक तो डाल ही देते हैं इसके अंदर, पालक में डाला था लेकिन अब इसके अंदर भी नमक डालना है हमने। ये डाल दिया नमक, और इसके साथ साथ थोड़ा गरम मसाला पाउडर। ये अगर ताज़ा कुटा हुआ हो तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन बाज़ार में आजकल आसानी से मिल जाता है। तो गरम मसाला पाउडर और इसके साथ साथ चाट मसाला। ये जो चाट मसाला है इसमें जो सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है वो आम का होता है, सूखे हुए आम का अमचूर इसमें रहता है, उसके साथ में काला नमक और दूसरा नमक। तो इसलिए जब भी आप चाट मसाले का इस्तेमाल करें ध्यान रखें कि उसमें नमक काफ़ी ज़्यादा होता है पहले से ही। और अब ये सब चीज़ें आपने मिक्स करनी है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया, एक काम करते हैं इसमें थोड़ा कॉर्न स्टार्च डाल देते हैं ताकि ये बिल्कुल भी टूटे ना, जुड़े रहें, लेकिन ज़्यादा नहीं डालें, ज़्यादा डालने से मज़ा नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा डाल दें। और अब इसे हम मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। ये लीजिए, ये मिक्स कर दिया, और इसके बाद इसके बनाए आप बड़ी टिक्की। जरा एक मैं देख लेता हूँ कि कितना बड़ा साइज चाहिए होगा हमें। मुझे लगता है कि ये साइज जो है ये ठीक है। अब बीच में इसके इस तरह से आप थोड़ा सा खड्डा बना दें इसमें, और ये जो प्रून है ये इस तरह से, और पूरा ये दब जाना चाहिए। चलिए, ये जो प्रून और टमाटर और पालक और आलू की टिक्की कबाब है ये तो तैयार हो गए, नहीं पकना बाकी है। तो पकाने के लिए ये मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया, आप मोटा तवा भी ले सकते हैं, और इसमें डालेंगे हम तेल। और अब इसके अंदर ये जो बनाया है हमने कबाब, वाह, इसको पका लेते हैं। और अब इसे मैं धीमे कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज आंच पर नहीं पकाना है हमने इसे। दोनों तरफ से इसे तलना है हमने, और जैसे मैंने आपको बताया तेज आंच पर नहीं, तेज आंच से ये जो टिकिया है ये करारी नहीं होगी, इसलिए आप धीमे आंच पर इसे पकने दें। और जब ये दोनों तरफ से अच्छी करारी हो जाए उसके बाद आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें। करेंगे किसके साथ सर्व? अपनी पसंद की चटनी बनाएं, कोई सालसा बनाएं, चटनी बनाएं, ये आपकी मर्जी है, चाहे वो टमाटर की हो या पुदीने की हो या धनिए की हो, नारियल की कह नहीं सकता, नहीं बिल्कुल ट्राई करें, देखेंगे क्या होता है। खैर, वैसे प्रून की चटनी भी बनाई जा सकती है, जिस तरह से इमली की चटनी बनाते हैं बस उसी तरह से बनाएं, खटाई थोड़ी बढ़ा दें। तैयार प्रून की चटनी, इसको सर्व करें और खाएं। जिसको भी आप खिलाएंगे
वो कहेंगे भाई वाह क्या चीज बनी है, और हमेशा दिवाली पर आपके घर आएंगे कुछ खाने। अगर आप बुलाना चाहते हैं तो ये बनाएं, नहीं बुलाना चाहते ऐसे तो आप है ही नहीं, आप जरूर बुलाना चाहते हैं। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। आप देख रहे हैं केन स्टार खाना खजाना का दीपावली स्पेशल। प्रून और पालक के कबाब के लिए हमें चाहिए 8 प्रून, 2 गट्ठी पालक की, 8 चेरी टोमेटो, 1 बड़ा चम्मच तेल और शैलो फ्राई करने के लिए तेल, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़े आलू उबले हुए और मसले हुए, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला और 3 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च। इसे बनाने के लिए पालक के पत्तों को ब्लांच कर लें और इसे बारीक काट लें। प्रून के बीच में चेरी टमाटर को स्टफ करें और अब एक पैन में तेल गरम करके इसमें कटी हुई प्याज डालकर कुछ देर तक भूनें। अब इसमें हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ देर तक और पका लें। इसके बाद इसमें ब्लांच किया हुआ कटा हुआ पालक डालें और इसमें नमक डालकर मिलाएं और इसे कुछ देर तक पकाएं। अब इसे निकाल लें और इसमें उबले हुए और मसले हुए आलू, नमक, गरम मसाला पाउडर और चाट मसाला डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें। यदि जरूरत हो तो इसमें कॉर्न स्टार्च डालें और इसे मिक्स कर लें और इस मिक्सचर को 8 भागों में बांट लें और अब इसके अंदर स्टफ करें प्रून और इसे रोल करके टिकिया की शेप दे दें। अब एक तवे या पैन में तेल गरम करके इन पालक और प्रून के कबाब को दोनों तरफ से कुछ देर तक पकाएं और जब ये करारे हो जाएं तब आप इसे निकालें और गर्मा गर्म परोसें। कैलिफोर्निया प्रून की अच्छाइयों के बारे में क्या कहें, इसमें विटामिन ए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और फाइबर काफी मात्रा में होता है। अब इनको ऐसे तो खाया ही जा सकता है, आप इनसे मेन डिश बना सकते हैं, सैलड में इस्तेमाल कर सकते हैं, चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे भारतीय खाने में भी बहुत इस्तेमाल किया जा सकता है। आप बिरयानी के अंदर प्रून्स डाल के देखें, बिरयानी का स्वाद दुगना हो जाएगा। और हाँ, एक जरूरी मैं बात बता दूं आपको, जिस तरह से प्रून आजकल बाजार में मिलते हैं उसके पीछे काफी काम किया जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर इसे प्रोसेस किया जाता है, फिर पैक कर आपके पास पहुंचते हैं अच्छे स्वादिष्ट और दिखने वाले प्रून। स्वादिष्ट है। वेलकम बैक कैंस्टर खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमें कैलिफोर्निया के युबा सिटी के अंदर हमने पालक और प्रून का कबाब बनाया जिसमें टमाटर था, टेस्टी था। अब कुछ चॉकलेट के साथ हो जाए। ये जो चॉकलेट मैंने ली है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चॉकलेट चिप्स वगैरह मिल जाते हैं, उसके साथ बिटर चॉकलेट मैंने ली है। ये देखिए, अब ये चॉकलेट किस लिए ले रहा हूँ, दीपावली है और दिवाली में कुछ चॉकलेट से बनाते हैं। चॉकलेट से क्या बनाएंगे सोचते हैं, पहले एक काम करते हैं, ये जो चॉकलेट है इसे मेल्ट कर लेते हैं। आप मेल्ट करने के लिए इसे डबल बॉयलर पर रख के मेल्ट कर सकते हैं, नहीं तो माइक्रोवेव में भी इसे मेल्ट किया जा सकता है। किसी भी तरह से आप इसे मेल्ट करें, ध्यान रखें कि इसे ज़्यादा गर्म नहीं करें, ज़्यादा गर्म करने से खराब हो जाएगी, जल सकती है अगर माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे आप ज़्यादा पकाएंगे तो, इसलिए प्यार से इसे पकाएं, ध्यान से इसे पकाएं। चलिए इसे मेल्ट कर लेते हैं। चलिए इसे हमने मेल्ट कर लिया है। नहीं नहीं, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये पिघली नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अब देखिए, जब मैं इसको मिक्स करूंगा तो ये देखिए अब कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, और ये पूरी तरह से मेल्ट हो जानी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप चॉकलेट को मेल्ट करें तो उसको छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़कर तभी मेल्ट करें, आसानी से हो जाती है, जल्दी हो जाती है। वाह, ये चॉकलेट देखिए कितनी अच्छी लग रही है। मैं तो सोच रहा हूँ कि बस इसको ऐसे ही गुलाब जामुन के ऊपर डालें और खा लें। ये अच्छी तरह से चॉकलेट मेल्ट हो गई, और अब आप इसके अंदर डालें फ्रेश क्रीम। ये जो क्रीम है मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ये क्रीम इसके अंदर डाली और मिक्स कर ली। आप देखिए, क्रीम जैसे इसके अंदर जाएगी तो इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाएगी। ये चॉकलेट का कमाल है, मेरा नहीं है। ये देखिए, जैसे जैसे क्रीम मिलती जा रही है इसके अंदर, वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जा रही है। और अब इसे पतला करना हो तो क्या करें, कुछ नहीं, थोड़ी क्रीम और डाल दें। मतलब कि जब गर्म चॉकलेट के अंदर क्रीम हम पहले डालते हैं तो इसका जो टेक्सचर है वो पहले गाढ़ा होगा, थिक होगा, और उसके बाद यदि आप ज़्यादा डालेंगे
तब जाकर वो पतला होगा। बस इसे मिक्स करते रहें और स्मूथ करने के लिए अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा। ये देखिए इसका जो रंग है ये कैसा अच्छा सा हो गया है। अब इसे मैं मिक्स कर देता हूँ और इसमें आप देखिए जो ग्लॉस है वो कितना अच्छा आ गया है। इसका रंग भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और इसकी शक्ल भी बदल जाएगी थोड़ी। और अब अच्छी तरह से आप जब इसको फेंट लें, एकदम स्मूथ कर लें, उसके बाद इसे हमने डालना है पाइपिंग बैग के अंदर। जी हाँ, पाइपिंग बैग आप बाजार में बना बनाया ले सकते हैं, नहीं तो जो ग्रीस प्रूफ पेपर रहता है उससे कोन काट कर आप उसका बना लें पाइपिंग बैग। ये जो चॉकलेट है ये हमने मिक्स कर लिया। ये लीजिए आप देखिए इसका जो टेक्सचर है वो एकदम स्मूथ हो चुका है और इस तरह से गिरेगी भी नहीं, इतनी गाढ़ी चाहिए। और अब इसे हम डाल लेते हैं पाइपिंग बैग के अंदर। वाह, ये मेरे पास बना बनाया या बाजार में मिल गया था तो मैंने खरीद लिया। इसका मैंने गनाश बनाया और अब इसके अंदर डाल रहा हूँ। आप दो तीन तरीके से बना सकते हैं। आप चॉकलेट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटें और उसके बाद क्रीम को गर्म करके चॉकलेट के अंदर डाल दें, फिर भी चॉकलेट पिघल जाएगी। चलिए इसको हमने भर लिया इसके अंदर और इसे बंद कर देते हैं। ये बंद हो गया और अब इसे यहाँ से मैं काट देता हूँ। ये काट दिया और अब चेक कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। और अब क्या करना है, चॉकलेट तैयार हो गई है। अब ये जो प्रून्स हैं, पिटेड प्रून्स, इसको आप ले लें इस तरह से, ऐसे इसका कप्सा बना दें और फिर उसके बाद आप ये चॉकलेट ले लें और इस तरह से इसके अंदर भर दें। ये देखिए। और अब एक पिस्ता लें, उसे ब्लांच करें और ऊपर से बस ऐसे लगा दें। और उसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा चाहे तो ठंडा कर सकते हैं। और ठंडा करने के बाद जैसे आप बर्फी देते हैं, लड्डू देते हैं, इसको खिलाइए, प्रून चॉकलेट पिस्ता। इसके लिए हमें चाहिए 30 पिटेड प्रून्स, यानी प्रून्स जिसमें से उसके बीज निकले हुए हों, 8 से 10 पिस्ता ब्लांच किए हुए और पतले स्लाइस किए हुए, 150 ग्राम चॉकलेट और 100 ग्राम फ्रेश क्रीम। इसके लिए सबसे पहले चॉकलेट को पिघला लें, आप चाहें तो माइक्रोवेव में पिघला सकते हैं, नहीं तो डबल बॉयलर में इसे मेल्ट कर लें। और अब इसमें फ्रेश क्रीम डालकर इसे मिक्स कर लें और इसका एक गाढ़ा मिश्रण तैयार कर लें। इस मिक्सचर को किसी पाइपिंग बैग में भरें या फिर बटर पेपर का कोन बनाकर इसमें डालें और इसे प्रून के अंदर भरें। इसे सजाने के लिए कटे हुए पिस्ते का इस्तेमाल करें और इसे सजा कर सर्व करें।